आइए आज बात करते हैं JBL की, जिनका नाम ही काफी है। हमारी इंडस्ट्री में जो भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो इन्हीं के प्रोडक्ट को देख के बनते हैं। JBL ने इस बार धमाका कर दिखाया है, 20,000 के अंदर अपना बेस का स्पीकर दिखा दिया है बना के JBL ने इस बार। अगर आप लाइव के लिए या डीजे के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो JBL इज ऑलवेज देयर। अभी सबसे अच्छी बात, ये कहीं भी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिस इज विक्रम, और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो JBL ने काउंटर के बाहर स्पीकर्स लगा रखे थे उनकी। इसमें 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, इन तीन सेगमेंट्स पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया था। इसमें भी इन्होंने दो टाइप किए थे, एक था लाइव वाला सेक्शन, एक था डीजे वाला सेक्शन। लाइव सेक्शन के लिए जैसे JBL ने 275 वॉट से लेके स्टार्ट किया है 12 इंच में, और 15 इंच में भी कम वोल्टेज वाले स्पीकर निकाल दिए हैं। 18 इंच में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। 18 इंच में इनका वही स्पीकर यूज होता है जो डीजे में और लाइव में एक साथ ही यूज होता हो। बैक साइड देखते हैं स्पीकर्स का, बड़ा ही अनोखा डिजाइन है। इनका हीट वेंटिलेशन देखते से ही समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल हीट जनरेट नहीं करने वाले हैं। JBL की ओरिजिनलिटी डस्ट कैप पे आप JBL नाम तो देख ही सकते हैं। इसका जो बास्केट है चेसी, उसमें आप काफी सारे वेरिएशंस देख सकते हैं। नीचे ग्रिल में आप इसका देख सकते हैं कि यहां से इसका हीट निकल जाएगा। कॉइल भी यहीं से हमको दिख सकता है। ये JBL के HF है। कमाल तो इस बात का लगता है कि JBL ने 150 वॉट्स का भी HF रेडी करवाया है, जितना मेरे ख्याल से और किसी कंपनी का नहीं है। ये देखिए मेड इन ब्राजील लिखा हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स, ये है JBL का इकोनॉमी सीरीज जो मैं अपने लास्ट वीडियो में भी दिखा चुका हूं। GRX सीरीज, इनके मॉनिटर्स होते हैं, सिंगल 15 होते हैं, डुअल 15 होते हैं, 18 इंच के सब वूफर्स होते हैं। जो आप लाइव में यूज करेंगे वो सारा मटेरियल इन्होंने बना रखा है। जब आप लोग इसकी आवाज सुनेंगे ना, सही में कहेंगे यार क्या डिजिटल ऑडियो बज रहा है। इसके लिए बेस्ट रिकमेंडेड है क्राउन के एम्पलीफायर, जो कि आप पीछे देख रहे हैं छपा हुआ है। और जैसे कि आप ये भी देखेंगे JBL के 250 और 500 वॉट्स के एम्पलीफायर्स। ये पहले मैं रिव्यू कर चुका हूं अपने पुराने वीडियो में, मैं आपको लिंक देता हूं, आई बटन पे क्लिक करके आप वहां भी जा सकते हैं। ये एम्पलीफायर्स तो जब से मार्केट में आए हैं छा गए हैं। स्कूल्स में इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग बेस्ट रिकमेंडेड JBL को ही करते हैं, क्योंकि इन एम्पलीफायर्स की क्वालिटी वाकई शानदार होती है।
JRX सीरीज का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसे स्कूल में इंस्टॉल करवा लीजिए, आपको 10 से 12 साल तक कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे पब्स में, डिस्कोस में लगा लीजिए, आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी मिलेगी। यानी डीजे का अल्टीमेट चॉइस अगर आप मानना चाहते हैं तो JBL वुड बी द परफेक्ट ब्रांड फॉर इट। लाइव के लिए जो स्पीकर JBL ने बनाए हैं उनका इकोनॉमिक रेंज इतना अच्छा है कि आप अदर कोई भी अच्छा सॉलिड ब्रांड अगर मार्केट से उठाते हैं तो उससे प्राइसिंग इनका कम है। अब आप लोग जानते हैं कि मैं प्राइस तो शेयर करता नहीं हूं। ऊपर वाला 12 इंच 275 वाट का है, 15 इंच और ये 18 इंच। 18 इंच में दो मॉडल है, 1100 वाट और 1200 वाट। 15 इंच में तीन मॉडल है इनके, जैसे कि 400 वाट से लेके स्टार्ट होता है, 600 वाट और एक 1200 वाट तक भी। खत्म नहीं हुआ है सफर, तो अभी स्टार्ट हुआ है। JBL को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डिटेल दे रहा हूं, अपना ईमेल आईडी दे रहा हूं, फेसबुक का कांटेक्ट दे रहा हूं। आज की वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, शेयर करते हुए जाएं। थैंक यू गाइस।